नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान की। इनका ये कहना है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया, दिल्ली न जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। दरअसल उस समय सब लोग दिल्ली में थे, तब मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। मुझे लगता था कोई कसर न रह जाए। बीजेपी में हर कार्यकर्ता के लिए काम है, बीजेपी एक मिशन है, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा। अपने बारे में मैं कोई फैसला नहीं लेता, पार्टी जो फैसला करती है वो ही मंजूर होता है। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी, लेकिन मेरे मन में संतोष है। चुनाव के दौरान कभी दो घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए, 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण से काम किया। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी, देखिए जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है, तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा, मेरी पार्टी करेगी। और इस पर कांग्रेस के पास एक मौका है। दरअसल कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि शिवराज जी के कुंठित होकर ये बयान सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने स्वाभिमान का परिचय दिया, बीजेपी ने सभी वर्गों के साथ छल किया, ये कांग्रेस का बयान इस पर आया। शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया उसके बाद कांग्रेस के विधायक दिनेश गुर्जर ने यह बयान दिया है। यहाँ मध्य प्रदेश में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनको विश्वास में ना लिया जाए, वो लिया है नहीं लिया ये उनकी पार्टी का विषय है, पर उन्होंने जो कहा है तो एक ओबीसी के आदमी को स्वाभिमान होता है, उन्होंने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया है। और जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोटाराघात किरार समाज के साथ हुआ है, लोधी समाज के साथ हुआ है, राजपूत समाज के साथ हुआ है, कि भारतीय जनता पार्टी ने और बैसवर के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी ने चार चेहरे सीएम के बनाए और चारों से चेहरे अन्य अन्य समाज के थे, राजपूत समाज से, बैस वर्ग से, किरार समाज से, लोधी समाज से, इन सभी समाजों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने छल किया है और छल के ही परिणाम है इतने कुंठित होकर दुखी।